दोस्तों रूही फिल्म को रिलीज हुए आज 4 दिन हो गए हैं। बात करते हैं 4th डे के कलेक्शन के बारे में। कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी, लेकिन अब इंडस्ट्री एक बार फिर तेजी से उठ खड़ी होती दिख रही है। जानवी कपूर और राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड फिल्म रूही रिलीज हो चुकी है और सिनेमा घरों में रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स का भी प्यार मिला और साथ ही साथ कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मिले। फिल्म को पहले दिन बिजनेस काफी अच्छा रहा। फिल्म का रूही लॉकडाउन के बाद रिलीज हुई पहली फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि फिल्म अपने तीसरे दिन 2.5 से 3 करोड़ के बीच में कलेक्शन करेगी, तो फिल्म ने अपने तीसरे दिन कलेक्शन किया है 2.75 करोड़ का। देखा जाए तो सैटरडे और संडे ऑफ होता है, इसीलिए फिल्म की कमाई को थोड़ा और बेनिफिट मिला है। देखा जाए तो फिल्म ने पहले दिन 3.6 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं अगर फिल्म रविवार को भी यानी कि संडे को 3 करोड़ की कमाई कर लेती तो ये फिल्म सफल फिल्म होती। रूही के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शुक्रवार को सबसे ज्यादा गिरावट दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव में देखने को मिली थी। वहीं पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई भी इन्हीं जगह से हुई थी। दोस्तों देखा जाए तो अभी तक फिल्म ने लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर लिया है। बात करें अगर 4th डे के कलेक्शन की तो वर्किंग डे होने की वजह से फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि फिल्म सिर्फ 1 करोड़ तक की कलेक्शन कर सकती है 4th डे में। उस हिसाब से फिल्म का ओवरऑल टोटल होगा 7.50 करोड़। वेल दोस्तों लग रहा है कि फिल्म 10 करोड़ से पहले ही डूब जाएगी। आपका क्या कहना है, क्या फिल्म 10 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।